नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडोरम में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 1, कक्कू। यह पाठ एक कविता है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है कक्कू। वैसे तो कोयल को भी हम प्यार से कक्कू ही बुलाते हैं, लेकिन यह बच्चा कक्कू बहुत ही अलग है कोयल पक्षी से। इस कविता में हम यही देखेंगे कि हालांकि उस लड़के का नाम भी कक्कू है और कोयल को भी हम प्यार से कक्कू बुलाते हैं, पर कैसे यह बच्चा कक्कू कोयल चिड़िया से बहुत अलग है। तो आइए शुरू करने से पहले कोयल चिड़िया के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखते हैं। कोयल चिड़िया गर्मियों के मौसम में बहुत ही मीठी मीठी आवाज में गाती है। कोयल बहुत ही मीठा गाती है। मीठी आवाज का मतलब है कानों को बहुत अच्छे लगने वाली आवाज, एकदम सुरीली आवाज। कोयल की आवाज कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है कोयल चिड़िया की आवाज। तो चलिए देखते हैं क्या कक्कू भी ऐसा ही है। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि नाम है उसका कक्कू, उस लड़के का नाम कक्कू है और कक्कू माने कोयल होता। कोयल को भी हम प्यार से कक्कू बुलाते हैं। लड़के का नाम भी कक्कू है, लेकिन कोयल की क्या विशेषताएं बताई थी मैंने? कोयल बहुत ही मीठा गाती है, सुरीला गाती है, लेकिन जो कक्कू है, लेकिन यह तो दिन भर रोता। कक्कू तो दिन भर रोता है, कुछ ऐसे सिसकियां लेकर रोता है। सिसकियां जैसे कि कुछ ऐसे सिसकियां लेकर रोता है कक्कू, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। अब इसीलिए कक्कू के दोस्त या दूसरे बच्चे कक्कू को चिढ़ाते हैं। चिढ़ाने का क्या मतलब होता है? परेशान करना। यहाँ देखिए कैसे एक लड़का दूसरे लड़के को चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है और दूसरा लड़का रो रहा है। तो क्योंकि कक्कू भी सिसकियां लेके रोता था, इसीलिए उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाते थे और उसको कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। नाम तो उसका कक्कू था, लेकिन क्योंकि वह दिन भर रोता रहता था, सिसकियां लेकर रोता था, इसीलिए उसके दोस्त लोग उसे चिढ़ाने लग गए सक्कू के नाम से। तो कक्कू के नाम का क बदल दिया उसके दोस्तों ने सिसकियों के स से। तो उसके दोस्त चिढ़ाने लग गए कक्कू को सक्कू के नाम से। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है इसका सक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी। अब आप सभी ने मिश्री देखी हुई है, आप सभी ने चीनी तो जरूर देखी हुई होगी। मिश्री से छोटी छोटी होती है चीनी, और मिश्री जो होती है उसके दाने चीनी से थोड़े बड़े होते हैं, कुछ ऐसी दिखती है मिश्री, और मीठी भी बहुत होती है। तो मिश्री जैसी मीठी बोली, जो कोयल चिड़िया है उसकी जो बोली है, उसके जो सुर है, वो जो गाती है, वो मिश्री जैसी मीठी होती है। कानों को इतनी अच्छी लगती है जैसे हमें मिश्री अच्छी लगती है, जैसे हमें मिश्री मीठी लगती है, वैसे ही कोयल की आवाज भी बहुत ही मीठी लगती है। लेकिन जो कक्कू है उसकी आवाज तो ऐसी नहीं है। यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। जब भी उसके दोस्त लोग कक्कू के साथ थोड़ी सी ठिठोली करते हैं, ठिठोली मतलब कि हंसी मजाक, तनिक ठिठोली, थोड़ा सा हंसी मजाक करना। यहाँ देखिए यहाँ ये बच्चे कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं। जैसे ही उसके दोस्त लोग कक्कू के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं, वैसे वो भड़क जाता है। भड़क जाने का मतलब गुस्सा हो जाना। गुस्सा हो जाता है और उसकी आवाज एकदम कर्कश हो जाती है। कोयल चिड़िया की आवाज तो बहुत ही सुरीली होती है, लेकिन
हंसी ठिठोली करने से कक्कू की आवाज बहुत ही गुस्से वाली हो जाती है, वो भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। देखिए अब उसके दोस्त लोग उसे कैसे चिढ़ाते हैं, कैसे बुलाते हैं। कभी कभी क्योंकि वो भड़क जाता है इसलिए कक्कू का क हटा के उसके दोस्त लोगों ने भड़क का भ लगा दिया और उसको भक्कू के नाम से बुलाते हैं क्योंकि कक्कू भड़क जाता है। तो आइए देखिए आगे क्या होता है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात पे जो चिढ़ जाए। एक कक्कू होती है कोयल जो कि सुरीला गाना गाती है, लेकिन एक हमारा जो लड़का है कक्कू, वो तो बात बात में चिढ़ जाता है, सुरीला गाना भी नहीं गाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, अब उसका मुंह कैसा रहता है, फूला हुआ रहता है क्योंकि वह परेशान रहता है, चिढ़ा हुआ रहता है। चिढ़े हुए रहने से या परेशान रहने से उसका मुंह जो है वो फूल जाता है। तो मुंह जो सदा फुलाए, मुंह फुलाने का मतलब है नाराज हो जाना, परेशान रहना, चिढ़े हुए रहना, यह सब मतलब है मुंह फुलाने का या गुस्सा हो जाना। ठीक है, कोयल चिड़िया तो गाती है लेकिन जो हमारा कक्कू है वो बात बात में चिढ़ जाता है, चिढ़ के मुंह फुला लेता है, गुस्सा हो जाता है। गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से, गाना तो बिल्कुल नहीं आता कक्कू को, जरा सा भी नहीं आता, थोड़ा सा भी नहीं आता गाना, और ऐसे झगड़ालू को अब से झगड़ा करता रहता है। झगड़ा करने का मतलब एक दूसरे से लड़ाई करना, और झगड़ालू का मतलब झगड़ा करने वाला। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों झगड़ालू लोग हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो कक्कू को, क्योंकि कक्कू झगड़ा करता रहता है, गुस्से में रहता है, इसीलिए क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। उसके दोस्तों ने कक्कू का नाम का क हटा दिया और झगड़े का झ लगा दिया, तो क्यों ना कहें हम झक्कू। अब उसके दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि वो इतना झगड़ा करता है तो उसे झक्कू क्यों ना कहें हम। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? इस कविता के कवि हैं पद्मश्री डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। बच्चों आप इस कविता को अच्छे से पढ़ सकते हैं एडोरेबल इन्फिनिटी के कोर्स हिंदी फॉर क्लास 3 में जाके, और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।